हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग में जो हम पॉइंट्स देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अंडर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग व्हाट, व्हेन, वेयर, बाय हूम द वर्क शुड बी कंप्लीटेड आर डिसाइडेड इन एडवांस। Under organizing, such works are classified into small parts and singular part of the job from a department. Establishing harmonious relations among such departments is known as organizing. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग, और प्लानिंग में बताया जाता है कि कोई भी काम को करने से पहले हम लोग पहले उसके बारे में सोचते हैं कि वो काम कैसे, कब और कौन करेगा, इसको प्लानिंग कहते हैं। और वहीं अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जो इंटरप्राइजेस के जितने भी काम होते हैं उनको स्मॉल पार्ट में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और हर एक काम में जो हमारा हारमोनियस रिलेशन होता है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। हारमोनियस रिलेशन का मतलब होता है सामंजस्य संबंध बनाना, ताकि लोगों के बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे से हो सके और उनके काम को कंप्लीट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से काम अच्छे से आगे बढ़ सके। वहीं अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइंडिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी एंड इंटरप्राइजेस एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसको डिफाइन किया जाता है प्रोसेस की तरह, और ग्रुप में उसको बांटा जाता है, सारे काम को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। पहले तो काम को स्मॉल स्मॉल पार्ट में बांट दिया जाता है, ठीक है, और उसको काम के हिसाब से ग्रुप बना दिया जाता है। उसके बाद हर ग्रुप में आपका रिलेशन क्रिएट किया जाता है, अथॉरिटी रिलेशन क्रिएट किया जाता है, मतलब कि आधिकारिक संबंध स्थापित किया जाता है, ताकि लोग एक दूसरे को आधिकारिक तरीके से मदद कर सके और एक दूसरे के साथ अपने काम को आगे बढ़ा सके और कंप्लीट कर सके। वहीं अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हेने ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे रखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और प्रोसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, ताकि एक जो समान पर्पस और जो प्रोसेस होता है उसको अच्छे से पूरा किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। अब हम फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। फीचर्स में पहला फीचर्स है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड, देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटना और हर एक काम को एक दूसरे से कनेक्टेड करने के लिए हारमोनियस रिलेशन को स्थापित करना, संबंध को बनाना, ताकि वो अपने काम को एक साथ, सभी को एक साथ आगे बढ़ा सके। तो अगर हम लोग काम को बांटेंगे ही नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग का तो काम ही नहीं बनता है। तो ऑर्गेनाइजिंग को क्रिएट करने के लिए हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्क्स होते हैं उसको हम लोग को बांटना पड़ता है। वहीं अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये है कोऑर्डिनेशन। अंडर द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्संस आर असाइन डिफरेंट वर्क, बट द एम ऑफ ऑल देयर पर्संस हैपन टू बी सेम। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ऑल द पर्सन डिपेंड्स ऑन ईच अदर वर्क, इवन थ्रो इट्स हैपन टू बी डिफरेंट, हेंस इट्स हेल्प टू एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो ऑर्गेनाइजिंग में पहले तो सारे काम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, और उन पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है और लोगों के बीच जो आपका मतभेद होता है वो बहुत कम होता है और काम अच्छे से हो पाता है। वहीं अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लूरैलिटी ऑफ अ पर्सन। ऑर्गेनाइजिंग इज अ ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन हु असेंबल टू फुलफिल अ कॉमन पर्पस एंड इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे कामों को अकेले पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कॉमन ऑब्जेक्टिव। देयर आर वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म, बट ऑल मूव्स इन अ डायरेक्शंस ऑफ अचीविंग अ जनरल ऑब्जेक्टिव। आप अगर देखो तो बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सारे उनके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, उनके काम भी अलग हो सकते हैं, बट जो उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमेशा सेम ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो वो बिजनेस आपका लंबे समय तक नहीं चल सकता है,
इसलिए जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होता है सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस के वो हमेशा सेम होते हैं। अब हम लोग लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ अ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, इन अदर वर्ड इफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली और पोस्ट आर नॉट क्रिएट करेक्टली द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कोलैप्स। तो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग को एज अ मैनेजमेंट मशीन की तरह देखा जाता है। मशीन को कैसे रन करते हैं, एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, वैसे ही मैनेजमेंट में एक काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरे काम को परफॉर्म किया जाता है और मशीन की वजह से काम आपके बहुत ही स्टैब्लिश हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। और अगर मशीन के एक प्रोसेस या एक पार्ट में गड़बड़ी होती है तो आपका पूरा रिजल्ट ही बर्बाद हो जाता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट के लिए। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।